हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गन्ने में आप कैसे अपने कल्लों की संख्या को जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं कि कौन सी खाद डालें जिससे कि हमारे गन्ने का जो घुटाव है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगे। क्योंकि किसानों, अगर आपके गन्ने में कल्लों की संख्या अधिक रहेगी तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो भी आपको काफ़ी अच्छा किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको कि किसान भाइयों आप जो है अपने खेत में अपना सकते हैं, जिससे कि आपके गन्ने की फसल में जो टिलर्स यानी कि जो कल्लों की संख्या है किसान भाइयों वो दोगुनी से किसान तिगुनी हो सकती है। तो इससे पहले जो किसान भाई आज नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब करना मत भूलें। किसान भाइयों, अगर आपको कल्लों की संख्या तो बढ़ानी है, सबसे बड़ा किसान भाई आपके पास हथियार ये है कि आपको निराई गुड़ाई जो गन्ने की है वो बहुत ही अच्छे से करनी है। चाहे किसान भाइयों आप कोई भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट डाल लें, अगर आपके खेत में किसान भाइयों पर्याप्त आपने उसकी निराई गुड़ाई नहीं कराई है तो किसान उसमें जो टिलर्स हैं बहुत ही कम निकलेंगे। तो निराई गुड़ाई के साथ साथ किसान भाइयों आपको यह है कि तकरीबन किसान भाइयों 10 किलो जो सागरिका इफको कंपनी की आती है किसान भाइयों इसको आपको डालना होगा। आपको नहीं किसान भाइयों सागरिका मिलती तो इसके स्थान पर किसान भाइयों आप जो है धनजाइम गोल्ड धानुका कंपनी का आता है, ये भी किसान 10 किलो आपको एक एकड़ में पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपका जो बायोवीटा आता है इसको भी किसान भाइयों आप डाल सकते हैं। यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन हैं, या तो किसान भाइयों आप सागरिका डालिएगा, या फिर किसान भाइयों आपको बायोवीटा, या फिर किसान भाइयों आप धनजाइम गोल्ड डालिएगा। तीनों में किसान भाइयों आपको सस्ता पड़ेगा वो किसान भाइयों आपको पड़ेगी सागरिका। ये किसान भाइयों आपको एक पैक लेना है 10 किलो का, इसको आपको एक एकड़ में पानी लगाने के बाद में समय नमी में डालना है आपको। उसमें तकरीबन आपको 25 से 30 किलो यूरिया ले लेनी है, उसमें मिला के जो है किसान भाइयों आपको सागरिका जो है पौधे का जो जड़ क्षेत्र है किसान भाइयों खाली आपको वहीं देना है, पूरे खेत में आपको नहीं डालना है। जहाँ जहाँ पौधे की जड़ क्षेत्र है वहाँ वहाँ किसान भाई आपको सागरिका और यूरिया को किसान मिला के आपको डाल देना है। इससे किसान होता क्या है कि जो सागरिका होती है इसमें सी वीड होता है, यानी कि ये समुद्री घास से किसान निर्मित होती है। तो इसमें किसान भाई आपको बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कि किसान भाई सेल डिवीजन को यानी कि कोशिका विभाजन को बढ़ा देते हैं पौधे के अंदर। इससे किसान भाई आपका जो है टिलर्स बहुत जल्दी निकलते हैं, गन्ने का विकास बहुत ही किसान भाई तेज़ी से होने लगता है। इसके बारे में समय आपको एक उसमें खाद और दे सकते हैं सल्फर। अगर समय आप सल्फर देंगे तो इससे होगा क्या कि आपके खेत में एकदम से समय गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि तो सल्फर थोड़ा गर्म होती है, पौधे को थोड़ा समय टेम्परेचर मेंटेन रखती है पौधे का। इसके साथ साथ एक ये नेचुरल फंगीसाइड होती है जो कि समय पौधे के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो समय इसको आपको 5 किलो लेना है दानेदार, वो किसान भाइयों आप जो है इसको मिला के जो है यूरिया के साथ में और सागरिका के साथ मिला के किसान भाइयों इसको आपको अपने खेत में डाल देनी है। इसके बारे में बात आती है कि आपको इसके साथ में और क्या मिला सकते हैं। तो किसान भाई इसके साथ एक तीसरी चीज़ अभी आप ये भी इसमें मिला सकते हैं कि आप इसमें जो ह्यूमिक एसिड आता है किसान भाइयों इसको आप तकरीबन 1 से 2 किलो जो है, ये किसान भाइयों जो मैंने आपको ह्यूमिक एसिड बताया और सागरिका बताएं, ये किसान भाइयों एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इनको चाहे आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो किसान भाई आपके पौधे और किसान मिट्टी पे कोई भी इसका जो प्रभाव है विपरीत वो नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए आपके खेत में किसान बुलकर टिलर्स नहीं हो निकले हैं, यानी कि टिलरिंग हुई ही नहीं है, खाली एक एक गन्ना है, तो किसान भाई आप उसमें क्या है कि इसकी डोज थोड़ा बढ़ा के डाल सकते हैं। यानी कि सागरिका जो है किसान भाई जहाँ आप एक बैग डालते हैं एकड़ में, यानी 10 किलो डालते हैं, तो किसान भाई उसको आप जो है 20 किलो जो है एक एकड़ में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे आपकी फसल में किसान कोई भी प्रभाव जो विपरीत नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छी आपको इसकी जो है किसान भाइयों रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इन खादों के सिवा किसान भाइयों आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जिनमें आप बिना खाद दिए भी जो है अपने गन्नों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों आप मदर शूट जो पौधे का होता है यानी पहला जो कल्ला निकलता है उसको आप ज़मीन के तकरीबन किसान भाइयों 1 इंच ऊपर से काट दें। इससे होता क्या है कि आपकी जो एपिकल बड डॉर्मेंसी होती है किसान भाइयों ये ख़त्म हो जाती है। अब किसान डॉर्मेंसी ब्रेक होगी पौधे में तो आपके पौधे में किसान एकदम से नीचे से कल्ले निकलेंगे, जो ज़मीन के अंदर दबे हुए कल्ले हैं किसान भाइयों वो भी निकल आएंगे। तो किसान जो टिलर्स हैं आपके जो पहला कल्ला आप तोड़ देंगे तो उससे किसान काफ़ी जो टिलर्स नीचे किसान भाइयों बनेंगे, बुलकर जो किसान टिलर निकलेंगे बुलकर यूनिफॉर्म यानी कि किसान एक जैसे लंबाई के किसान आपके कल्ले निकलेंगे, वृद्धि बहुत अच्छी किसान भाइयों उसकी आपके गन्ने की होगी। और इसके साथ साथ किसान एक का तरीका ये भी अपना सकते हैं, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो कोशिश करें कि मिट्टी किसान है उस पर कम चढ़ाएं। अगर किसान है आप मिट्टी ज़्यादा डालते हैं यानी अगर आप 5-6 इंच मिट्टी चढ़ाते हैं तो इससे किसान कल्ले जो होंगे किसान भाइयों वो नीचे नीचे ज़मीन के अंदर चलते रहते हैं। जब किसान भाई कल्ले निकलते हैं काफ़ी देर हो जाती है, तकरीबन किसान भाइयों वो जून जुलाई में आके निकलते हैं तो वो किसान भाई पूरे गन्ने आखिर तक नहीं बन पाते हैं। तो कोशिश करें जब आप गन्ने की बिजाई करें किसान भाइयों कूड़ा आप गहराई निकालें, उसमें जो मिट्टी डालें किसान भाइयों वो आप 2 से 3 इंची खाली मिट्टी डालें, उससे कल्ले आपके काफ़ी जल्दी किसान भाइयों निकलते हैं। ज़्यादा गहरी आप जो बिजाई है ना करें।
तो ये थी कुछ जानकारी के साथ कल्ले बढ़ाने के संबंध में। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।